नाम के रे पर ताप से बहे आन के आन। ये परम संत सदगुरु पट्टू साहेब जी की वाणी है। वाणी लेने के पहले हम आप लोगों से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि आज हम भी, हमारी भी फ्लाइट सवेरे 6 बजे की थी एयर इंडिया, लेकिन वो कैंसल हो गए और बाद में उन्होंने जेट एयरवेज में कनेक्शन माने दिया थी, लेकिन फिर वहाँ उतरे तो वहाँ भी यही हालत, दिल्ली में भी सारा दिन परेशान। आप लोग यहाँ हुआ कभी ऐसा हुआ ही नहीं तो हम यहाँ 12 बजे पहुँचना था, 12:15 और इसलिए 4 बजे का यहाँ प्रोग्राम रखे थे, लेकिन देव संजोग क्योंकि ये त्योहार आने से वो पायलट और काम करने वाले ही नहीं आ रहे, और सब फ्लाइट कैंसल 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 बोर्ड आ रहा है, सबकी परिस्थिति बड़ी नाजुक, इसीलिए थोड़ी परेशानी, नहीं तो कभी ऐसा परेशानी हुआ नहीं। तो इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से यहाँ पे इंतजार किया, तो आज थोड़ा सा एक छोटा सा वाणी ले लेते हैं, क्योंकि उसी के लिए सत्संग यहाँ रखा था लेकिन नहीं हो सका। तो ये पट्टू साहब की वाणी है। पट्टू साहब अयोध्या में एक बड़े अच्छे पहुंचे हुए संत महात्मा हुए, तो वही आप कहते हैं नाम केरे आन के आन। कहते हैं कि मैं एक बनिया कुल में पैदा हुआ था और मेरा काम कुछ ही कुछ था, लेकिन मैंने सतगुरु से नाम लिया और नाम लेकर के साधन किया, जब मेरी रूह अंदर गई और मेरी तीसरी आंख खुल गई, मेरे अंदर शब्द और ज्योति प्रकट हुआ, तो मेरी काया पलट हो गई। नाम ने मेरी काया पलट कर दिया और है भी ऐसा ही, क्योंकि नाम लेकर के हम ऐसे ही छोड़ दें तो नाम कुछ नहीं करेगा, गुरु कुछ नहीं करेगा। नाम लेकर के, नाम लेने के कारण से गुरु ने हमें नामदान के समय का 2.5 घंटा बैठना, कम से कम 24 घंटे में 2.5 घंटा अपने आत्मा के उद्धार के लिए। अगर 2.5 घंटा हम रोज नाम स्मरण ध्यान में बैठेंगे तो उससे हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारे कुछ पाप कटेंगे, क्योंकि मालिक के नाम स्मरण से ही पाप कटते हैं, दुनिया का स्मरण से पाप बढ़ते हैं, मन मलिन होते जाता है, नाम का स्मरण करने से मन निर्मल होता है, पाप कटते हैं। तो इसीलिए पलटो साहब ने रात दिन साधन किया और उनकी रूह सिमट के शरीर खाली करके ऊपर आ गई, उनकी ज्ञान की आँख तीसरी आँख खुल गई, शब्द और ज्योति प्रकट हो गया। तो वही पट्टू साहब कहते हैं कि नाम के रे प्रताप से भयान किया, नाम के प्रताप से आज मेरी काया पलट हो गई, आज मुझे कोई नीच जात कहने वाला ही नहीं, लोग महात्मा कहते हैं, मैं जो कहता हूँ होता है, लोग आके नमस्कार करते हैं, सत्संग सुनते हैं और लोग महात्मा कहते, भाई ये किसकी महिमा है, नाम की महिमा है, वो नाम सुमरन जो करते हैं उसकी काया पलट होती है और ऐसे लोग महात्मा हुए हैं। तो वही कहते हैं कि नाम बड़ी ऊंची चीज है जो संत महात्मा देते हैं, लेकिन नाम लेकर ऐसे ही छोड़ देने से हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, हमारा मन निर्मल नहीं होएगा जब तक कि नाम की कमाई नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि नाम की कमाई करने से, साधन करने से आज मेरे अंदर परिवर्तन आया जी। बयान के आन बड़े के पाव पड़ूंगा, काब पूरा दिन तेल फूल संग बिकता महंगा। तो वही पट्टू साहब कहते हैं, इसीलिए मैं अपने सदगुरु बड़ों का मैं पैर पड़ता हूँ, नमस्कार करता हूँ,
क्योंकि आप एक उदाहरण देते हैं, जैसे तिल का तेल बहुत महंगा होएगा तो 70-80 रुपए किलो होएगा तिल का तेल, नहीं तो 100 रुपए सन। लेकिन वही अत्तर बनाने वाले उस तिल को जिस फूल से फूल के सुगंध में अत्तर बनाना चाहते हैं, उसी फूल में गांठ मार के, पानी का छींटा मार के, गांठ मार के गट्ठर बांध देते एक दो दिन, एक दिन तो धीरे धीरे जो वास होता है सुगंध फूल का वो तिल खींच लेता है, फिर उसको छाया में सुखा के उसका तेल निकालते हैं, तो जो फूल का सुगंध उस तेल में आ जाता है, तो जो तेल 100 रुपए किलो मिलता था, 80-90 रुपए किलो, तो अब वो हजारों रुपए तोला जाता है। तो कहते कैसे उस तेल की कीमत बढ़ गई, फूल के समागम में जाके, बड़ों के समागम में जाके। तो पंडित साहब कहते हैं ऐसे ही गुरु के शरण में जाके, गुरु के कृपा से आज मेरी रोह सिमट के 9 दरवाजे से 10वें में आ गई, हमारी तीसरी आंख खुल गई और नाम हमारे अंदर प्रकट हो गया और मेरी काया पलट हो गया, मैं कुछ का कुछ हो गया। तो वही कहते हैं नाम में इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन नाम सुमरण करना सीख ले। नाम करने के लिए बैठ, नाम सुमरण बैठ के करना, इसी बात नहीं, खाना बनाते समय नाम सुमरण, परमात्मा का नाम सुमरण, रास्ता चलते समय नाम सुमरण, खाना खाते समय नाम सुमरण, इस तरह से अपने मन को इस नाम के रंग में रंग लो, काम बन जाता है। धीरे जैसे जैसे हमारा मन नाम सुमरण से जुड़ता है, हमारे पाप करते जाते हैं, मन निर्मल पवित्र होते जाता है, और एक दिन मन निर्मल होकर चित्त स्थिर हो जाता है, हमारी चेतन ऊपर चढ़ाई करने लगती है और 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाती है, हमारी तीसरी आंख खुल जाती है, ज्ञान की आंख, और हमारे घट में जो अंधेरा है ज्ञान रूपी सदियों से, वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है, अंदर घट में प्रकाश हो जाता है। आंख बंद करो उजाला ही उजाला है, आंख खोलो बाहर उजाला उजाला है, अभी हम आंख बंद करते हैं तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, अज्ञान रूपी अंधेरा अंदर में, बाहर में भी अंधेरा ही है, अगर लाइट ना हो तो हमारी आंखें कोई काम की नहीं। दिन में सूरज के लाइट से, रात को चांद के लाइट से, या तो और बाहरी लाइट के प्रकाश से काम करती है, नहीं तो यह स्वयं प्रकाशित नहीं है। देखो हम जब रात को बैठे होते अंधेरी कोठरी में, अकस्मात बिजली चली जाती है, हमें क्या दिखाई देता है, जबकि हमारे वही आंखें होती है ना, सामने टीवी पड़ा होता है, अलमारी पड़ा होता है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता है, क्यों, ये आंखें अंधी है, दूसरे लाइट के प्रकाश से ये काम करती है, ये स्वयं प्रकाशित नहीं है, लेकिन जब ये साधन करके अंदर आता है, इसकी तीसरी आंख खुलती है, इसके अंदर शब्द और लाइट ज्योति प्रकट हो जाती है, तो अंदर में भी उजाला बाहर में भी उजाला, आंख बंद करो उजाला ही उजाला है। तो कहते हैं जो अज्ञान रूपी अंधेरा आपके घट में युग युग से अपना घर बनाया है वो दूर हो जाता है, वो नाम ऐसी चीज है। तो वही आप इशारा देते हैं कि जैसे फूल के समागम में जाके दिल का तेल अत्तर हो जाता है, ऐसे ही महात्माओं के शरण में जाके एक संस्कारी आत्मा, उनके हुक्म का पालन करके वो भी एक महात्मा हो जाते हैं। जी संत है बड़े दयाल, आप तम मुखो कीना, संत है बड़े दयाल, आप तम मुखो कीना, जैसे ब्रह्मी की दीना। तो वही आप फिर दूसरा उदाहरण देते हैं कि संत भय बड़े दयाल, आप सब मोह को किन्हा,
करते हैं संत दयाल होते हैं, वो हमसे भजन स्मरण करा के हमें अपने जैसा ही हमें भी बना लेते हैं। जैसे ब्रिंगी कीड़ा क्या करता है, गीला मट्टी लाला के दरवाजे पे, खिड़कियों पे, नहीं तो दीवालों में घर बनाता है, छोटा छोटा कमरा बनाता है। और जो पत्ते पे हरा कीड़े होते हैं उसको पकड़ के लेके आता है और उसको अधमरा बेहोश कर देता है। पहले बेहोश करके एक एक कमरे में एक एक को रख के फिर मट्टी ला के बंद कर देता है। बेहोश करता है इसलिए कि भाग नहीं जा, अगर ऐसे ही रख के जाएगा तब तक ये गिर जाएगा, तो पहले उसको बेहोश कर देता है। और हर कमरे में एक एक कीड़ा बंद करता है, हरा कीड़ा, और लाके मट्टी से उसको बंद कर देता है। और सवेरे 4 बजे आके उसको अपना शब्द सुनाता है, तो अंदर का कीड़ा जैसे जैसे उस शब्द की तरफ तवज्जा देता है, ख्याल करता है, तो अंदर के कीड़े का भी रूप रंग चेंज हो जाता है और उसको भी पंख बिंख सब पैर भी सब आ जाते हैं। सेम ब्रिंगी कीड़ा ही बन जाता है, जो कहते हैं वो ब्रिंगी। इसी तरह से अपना कुटुंब बढ़ाता है, वो अंडा बच्चा नहीं देता है, दूसरे कीड़े को अपना शब्द सुना के अपने जैसा ही कर लेता है। देखो उसके शब्द में कितनी बड़ी ताकत है। तो कहते हैं ऐसे संत महात्मा हमारी आत्मा को शब्द से जोड़ के, भजन सुमरण करा के, शब्द अंदर प्रकट करके इस गरीब आत्मा को भी अपने जैसा ही बना लेते हैं। लेकिन अगर हम उनका हुक्म माने तो, अगर हुक्म नहीं मानेंगे हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, हम जहां के तहां ही रह जाएंगे। लेकिन अगर संतों का हुक्म मानेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तो जरूर हमारे अंदर परिवर्तन आना ही आना है। जी राई किया तुमेरे जिया गजराज चढ़ाई, राई किया तुमेरे जिया गजराज चढ़ाई, तुलसी हो गारे शरण की पेज बढ़ाई। देते हैं, कहते हैं कि राई किया सुमेर, कहते हैं अगर संतों का हुक्म हम मान लें और 2-2.5 घंटे रोज भजन सुमरण बैठे हैं, तो कहते हैं एक पापी मलिन आत्मा भी महात्मा बन जाता है। संत महात्मा का हुक्म मानने वाले सरसों से पहाड़ पर्वत बन जाते हैं। राई किया सुमेर पहाड़ बना देते हैं, माने उनकी इतनी इज्जत बढ़ जाती है। कहते हैं मैं आपके सामने बैठा हूं, हमारा भी यही गांव था ना, हमने भी यहाँ बहुत कठिनाई सहन किया। कहते हैं कि लेकिन एक संतों के शरण में जाकर सेवा करने से, उनका हुक्म मानने से, आज उनकी कृपा कहां से कहां देखेंगे। कि हर जगह उनके हुक्म से हम हर जगह जाके सत्संग करके आ रहे हैं और संगत इज्जत दे रही, किसके लिए, हमारे को नहीं, ये उनकी कृपा है, ये संतों की कृपा है। तो वही आप इशारा देते हैं कि जो इस तरह से आप उनका हुक्म मानोगे तो राई करे सुमेर अजया गजराज चढ़ाई। एक शास्त्रों में एक कहानी आती है बच्चों की किताबों में कि एक बकरी बीमार हो गई और 1-1.5 महीना वो इलाज कराने के बाद में भी ठीक नहीं हुई, तो मालिक उसका परेशान होकर उसको छोड़ दिया, जाने दो कहीं मर जाए। और वो गिरते पड़ते चलती गई, जंगल में चली गई। लेकिन देखो उसका भाग्य, उसको कोई भी प्राणी हाथ नहीं लगा, क्योंकि उसके शरीर पे मांस था ही नहीं, खाली हड्डी और चमड़ा। और गिरते गिरते एक गुफा के पास पहुंच गए, उस गुफा में शेर रहता था। जब शेर को बकरी का वास आया, अब शेर तो जंगल का राजा,
तो वो बाहर निकला दहाड़ता हुआ। अब ये जब बाहर आया तो बकरी क्या किया, उसके चरणों में गिर पड़ी, क्योंकि उसको मरने का डर तो था नहीं, क्योंकि बीमार थे, इसको सारा शरीर दुखी था। तो वो उसके चरणों में गिर पड़ी शेर के, तो शेर को दया आ गई कि ये अबला मेरी शरण आई है, और शरण में आए हुए जीव की दया करना राजा का धर्म है। तो उसने अभय दान दे दिया बकरी को, प्राण दान। अब इसने तो प्राण दान दिया है, लेकिन दूसरे जानवर का तो बकरी आहार है, उनको कैसे पता चले कि राजा ने इसको प्राण दान दिया। तो उसने शाम के समय सारे जंगल के प्राणियों को बुलाया दूसरे दिन, और सबको हुक्म दिया कि देखो इसको मैंने, ये मेरे शरण आई हुई है, मैंने इसको अभय दान दिया है, प्राण दान दिया है, इसका कोई बाल बाका नहीं करना, बिगाड़ना नहीं, इसको मारना नहीं। अगर इसको कोई मारेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके सारे कुटुंब का मैं सर्वनाश कर दूंगा। प्राणियों को डर दिया, और फिर हाथियों के झुंड को बुला के कहता है कि देखो सरोवर 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और ये चल नहीं सकती है, तो तुम लोग 2-4 आओ और यहाँ बैठो, तुम्हारे इसको पीठ पे बिठा के लेके जाओ, पानी पिला के फिर इधर ला के छोड़ के जाओ। तो हाथी के झुंड आते थे, और एक हाथी बैठे, बकरी उसके ऊपर चढ़े, अब उसको उठा के लेके जा रहे। तो जाते समय ऊपर कौला मतलब पत्ता खाते जा रहे बकरी, नहीं तो ऊपर पत्ता कैसे मिलने वाला इसको। अब थोड़ा दिन में इस तरह से बकरी हिष्ट पुष्ट हो गई, तंदुरुस्त हो गई, उसका बीमारी ही चला गया। तो कहते हैं बताओ अब बकरी को क्या हैसियत है कि वो हाथी में बैठ चुकू मैं, जबकि राजा तो शेर है। लेकिन एक अबला हाथी में बैठ के घूम रही, उसका कितना बड़ा भाग्य है। तो कहते भाई ठीक, क्यों बड़े की पैज बढ़ाई, बड़ों के शरण में जाने से उसे ये गति प्राप्त हुआ, माने ये सम्मान मिला उसको बड़े के शरण में जाने। तो वही पट्टू साहब कहते इस तरह से मैं भी संतों के शरण में जाने से कहते हैं कि आज मुझे ये स्थिति हुई कि अजय गजराज चढ़ाए। और फिर कहते हैं तुलसी होएगा रेण शरण की बेंच बढ़ाई। कहते हैं कि ये विदेशी लोग आते हैं, उनके यहाँ पे कोई पेड़ नहीं, क्योंकि बर्फ गिरते रहता है, तो कोई पेड़ पैदा ही नहीं होता था। तो एक विदेशी क्या किया, हमारे यहाँ से ये एरंडी का बीज लेके गया, और अंदर में मट्टी उट्टी डाल के घर के अंदर गमले में उसको रखा, और घर के घर में पाके वो पैदा हुआ, पानी डालता था। अब वहां के लोग देख के ताज्जुब हो गए कि, और जहां पे बेड़ी ना हो वहां ऋण की पूजा होने लग गई, जैसे हमारे यहाँ तुलसी की पूजा होती है। तो वही कहते हैं तुलसी होएगा रेड पेज की, कहते हैं शरण की पेज बढ़ाई। पलटू साहब कहते हैं कि वहां तुलसी रेड ही तुलसी बन गया, लोग उसकी आके पूजा करने लगे, देख के खुश होने लगे। क्यों, ऐसे के पास ऐसे के शरण में जाने से, वो फॉरनर्स को हाथों में लगने से, अगर वही हमारे यहाँ तो कोई कीमत ही नहीं, एरंडी के बीच उनके हाथों में पड़ जाने से उसकी कीमत बढ़ गई। तो कहते हैं ऐसे ही एक जीव संस्कारी आत्मा महात्माओं के शरण में जाके वो भी उनके बताए हुए रास्ते पे चल के उस चीज को हासिल कर लेते। जी पलटू जाती ने नीच में सब गुण की खान, पलटू जाती ने नीच में सब गुण की खान।
नाम के रे परताप से बहे आन के आन। तो वही पंचो साहब जी वो उदाहरण दे के अपने ऊपर लेते हैं कि पलटो जाति न नीच में, मैं एक बनिया के कुटुंब में पैदा हुआ था, सुबह से शाम तक हमारा जात का कुछ धर्म ही अलग था, लेकिन बड़ों के शरण में जाने से, नाम के रे प्रताप से भय आन के आ, उस नाम के शरण में नाम की कमाई करने से आज मेरे अंदर परिवर्तन आया, और नहीं तो मैं भी वहां का वहां ही पड़ा रह जाता है। तो वही आप कहते हैं कि नाम में ऐसी ताकत है, अगर नाम सुमरण करे तो, अगर नाम सुमरण नहीं करते हैं तो नाम कुछ नहीं करता, गुरु कुछ नहीं करता है, और हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आना है। जब उसके ऊपर अमल करते हैं, नाम सुमरण करते हैं, तो नाम का पावर हमें मालूम पड़ता है। तो पलटू साहब ने इस वाणी के अंदर संदेश दिया, छोटे से वाणी के अंदर बड़ा अच्छा चिताया है कि किस तरह से हमारे अंदर परिवर्तन आया। पलटो जाति नीच में सब गुण की कान, पलटो जाति नीच में